आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पराठा। चीज़ पराठा बनाने के लिए हमें दो बड़े आलू चाहिए और 4 क्यूब्स चीज़ चाहिए। मैं नमक डाल के सबको कद्दूकस करके एक में मिक्स कर लूँगी और नॉर्मली आटा गूँथ लूँगी। आप जैसे भी पराठा बनाने के लिए आटा गूँथते हो, जो भी डालते हो, वो उसी तरह से हूँ मैं। अब इनको लोइयाँ बना के रख लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बच्चों को टिफ़िन में देना था। मेरे तीनों बच्चों का उस स्कूल सुबह का हो गया है, तो मुझे उनको टिफ़िन में देना है। तो इसीलिए आपको क्लियर वीडियो शायद नहीं हो पा रही है, तो मैं फटाफट बना रही हूँ। अब मैं इसी तरह से 3 से 4 लोइयाँ बना लूँगी। और आप लोइयाँ बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि कहीं से भी बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फटा हुआ होगा तो आप जब इसे पकाएंगी ना तो चीज़ बाहर निकलने लगती है। और खाने में फ्रेंड्स इतनी टेस्टी होती है, इसमें मिर्ची नहीं डलती है, तो बच्चे बहुत ही प्यार से इसे खाते हैं। आपका बच्चा अगर छोटा है, नर्सरी जूनियर सीनियर में पढ़ता है, वो तीखा नहीं खाता है, तो ये उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि मेरे भी बच्चों को नहीं, तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये टमाटर सॉस या फिर हरी चटनी या फिर सेजवान सॉस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अपने बच्चों को बना के ज़रूर ही बताएं, क्योंकि मैं सुबह बच्चों को टिफ़िन में दे रही हूँ तो उनके फ्रेंड्स लोग मांग मांग के खाते हैं, ये इतना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे उनके जो ज़रूरत होती है उससे एक एक्स्ट्रा ही देना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मिल बांट के हम खाना सिखाते हैं। तो मुझे ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं तवा नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं पैन यूज़ कर रही हूँ। वही पैन है जिस पे हम डोसा बनाते हैं। तो मैं अभी जितनी भी लोइयाँ सब बनाई थी मैंने, उसको गोल शेप में बेल लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल के मैं करीब 3 साथ में पकाऊंगी, तभी मेरा हो पाएगा, नहीं तो इतना सुबह नहीं हो पाता है। जल्दी जल्दी मुझे तीनों बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है, उनको नाश्ता भी बनाना है अलग से, तो मुझे काफ़ी फास्ट हाथ चलाना पड़ रहा है। आप भी बनाए, काफ़ी इजी तरीके से बन जाता है और लेट भी होता है, तो भी ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है कि फटाफट हो जाता है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमने जो बेले हैं पूड़ियों की तरह, ये जरा सा भी कहीं से भी फटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना आपको पकाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि गर्म होके चीज़ वहीं से बाहर जब मेल्ड होती है ना, तो वहीं से बाहर निकलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पैन पे 3 डाला है और मैं इसे अब उलट पलट के अच्छे से पका लूँगी। और अब इस पे मैं देसी घी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप घी जो भी आप यूज़ करते हो, आप लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, तो और भी ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आएगा, और बटर से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये इतनी ईजिली खुद ही फूल रही है, मुझे बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसे को फुलाने के लिए। तो मैं एक एक करके सब पे बराबर करके तेल लगा लूँगी, घी लगा लूँगी, सॉरी। इसे फ्रेंड्स खाने में ये इतनी सॉफ्ट होती है ना, ऐसा नहीं है कि आप बना के रख दिए तो ये हार्ड हो जाएगी, ये यूं ही सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशनल अच्छा लगता है हमें, और वीडियो बना के डालने में। आपको जो भी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को टिफ़िन का नाश्ते का आपको बताती हूँ। मैं वीडियो में ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है कि ये लाओ वो लाओ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से पक गई है तो चीज़ अपने आप ही बाहर निकल रही थी, जैसा मैंने कि आपको बताया था कि थोड़ा भी फटेगा तो चीज़ बाहर आनी ही आनी है। आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि कितना चीज़ इसमें क्रीमी क्रीमी लगता है, बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं।
तो फ्रेंड्स थैंक यू।